So let's practice everyone. So the name of this posture is Purna Supta Vajrasana. If you're practicing it first time, let me guide you some benefit of this posture. Number one, the category of this posture is advanced level, not like basic. So if you have a dream to learn such advanced yoga postures, like this posture, Purna Supta Vajrasana, so I will tell you one thing, you need to prepare your muscle before attempting this posture. Right now, just focus on the steps. After, I will be teaching you techniques to improve your back bending. Okay, everyone clear? Yes? Okay. Now, the number one step, and number two, number three, number four. Four step mein cover karenge. Four step kaun se honge, wo aapko samjha raha hu. Ab is asana mein jo ye muscles hai, the muscles of the quadriceps, that needs more flexibility and strength. Number two, this reason. If it is very flexible, then aap apne sar ko apne paon se touch kar paoge. So how to practice everyone? See. So first of all, you have to sit properly in Vajrasana. Number next everyone, you have to keep your left hand and right hand over your mat. See, left hand or right hand. इस आसन को करने के दो तरीके हैं, वो मैं आपको वो भी समझा दूंगा. एक होता है डायरेक्ट हवा में बैठकर करना और एक होता है आपको जमीन पे आकर के प्रैक्टिस करना. So first of all, we are trying to achieve this posture with the help of one variation. One elbow, second elbow. अब देखो मैं आराम से वज्रासन में बैठा हूँ. जिन लोग को लाइक क्वाड्रिसेप टाइट होगा तो उनको ऐसे इसी जगह पे उनको दर्द भी होने लगेगा. तो अगर आपका टाइट मसल है तो पहले इसको अच्छे से अनलॉक करो, इसको अनलॉक करो, फिर ट्राई करो. सो नंबर नेक्स्ट एवरीवन, प्लेसिंग द शोल्डर्स ओवर द मैट. आपने अपने शोल्डर को अच्छे से मैट पर प्लेस किया. नाउ यू हैव टू लुक एट योर सीलिंग. अपने ऊपर आसमान को देखो और लंबी गहरी सांस लिया, हाथ ऊपर ले गए. वी हैव टू कीप आवर हैंड्स अप, राइट. हाथों को अपने हवा में रखना है. Then next step is right hand back, left hand back. दोनों हाथों को अपने साइड में रखना. अब लंबे गहरी सांस लेकर आप अपनी बॉडी को एलिवेट करेंगे. Now you have to take inhalation, with the exhalation try to make your breath out and then try to extend your pelvis. See. Exhale. Right. And then touching the foot and place it one hand move and take. Or else, one hand, sit. And then slowly, go. अब आपने अपने पेल्विस को इतना अच्छे से आपने ओपन कर दिया है कि आपको फील होगा, लाइट फील होगा, आराम से रिलैक्स. आपकी जो कुंडलिनी शक्ति होती है ना, वो इधर होती है, उसको एक्टिवेट करने में हेल्प करेगा ये आपका पर्टिकुलर सा. और जब कुंडलिनी एक्टिवेशन जब होगा तो वो आपके मूलाधार चक्र से लेकर आपके स्वादिष्टान चक्र, आपके नाभि चक्र, आपके अनाहत मणिपुर चक्र के नाभि चक्र, तो इसके बाद आपका अनाहत चक्र और आपका लाइक विशुद्धि चक्र, थर्ड आई वाला आगे चक्र या फिर सेसार चक्र, यहाँ तक ऐसे नीचे से ऊपर की तरफ फ्लो होती है. तो अगर आप ये पर्टिकुलर आसन करेंगे तो आप पाएंगे कि आपकी सुषुम्ना नाड़ी का जो यहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट है, वहाँ पर प्रॉपर आपको एक फील होगा लाइटनेस और एनर्जी का. तो अब फिर से मेरे साथ प्रैक्टिस करें. स्टैंड एवरीवन, सिट प्रॉपरली. एक बार आप करो मेरे साथ. हाउ टू प्रैक्टिस, यू हैव टू सिट लाइक मी. आपको मेरी तरह बैठना है. सिट इन वज्रासन, वज्रासन में बैठेंगे और फिर इनहेल लिया, सामने देखो प्रॉपर. ये आसन किसको नहीं करना है ये भी समझ लो. जिसको हाई बीपी की प्रॉब्लम है, जिसको अस्थमा है, जिसको लाइक डिस्क प्रॉब्लम है, जिसको बैक पेन बहुत ज्यादा सीवियर है, जिसकी मसल्स हिप्स की एंकल की बहुत पेन करती है, सबको अवॉइड करना है. ठीक है, करना किसको है, जिसकी प्रैक्टिस अच्छी हो गई आसन में, जो एकदम बिगिनर लेवल से इंटरमीडिएट लेवल पे आ गया है, जिसको बहुत अच्छा लग रहा है, बॉडी एकदम खुल गई है, उसको अभ्यास करना है. ठीक है, नॉर्मली ये आसन की डेफिनेशन जो हमारा ये जो पोस्चर है ये हमारी एडवांस कैटेगरी में आता है. इट इज एन एडवांस कैटेगरी. तो आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि मैं पहली बार कर रहा हूँ योगाभ्यास और मैं ये भी कर दूँ. ये तब होगा जब आप प्रॉपर बैक बेंडिंग करोगे. अब आपने करना कैसे था, सिट इन वज्रासन एवरीवन, राइट. इनहेल, लंबी गहरी सांस लिया, वन हैंड सेकेंड हैंड पीछे रखा, फिर वन हैंड एल्बो टच, सेकेंड एल्बो टच, शोल्डर टच प्रॉपर, ऊपर देखा, इनहेल, हाथ ऊपर, राइट हैंड, लेफ्ट हैंड प्रॉपर टच, लंबे गहरी सांस, ब्रीथ नॉर्मल एवरीवन, देन रेज योर पेल्विस अप, राइट एंड टच योर हेड. तो अब आपकी बारी है एवरीवन. नाउ यू हैव टू ट्राई ऑल ऑफ यू. अब आप सब लोग करके दिखाओ मुझे. आप आपको चेक करूंगा.
और आप आराम से प्रैक्टिस करके मुझे समझाएंगे। तो सब लोग करिए एवरीवन, और मैं चेक करता हूँ, ठीक है। तो सब लोग करो एक बारी, रेज अप, वेरी गुड संगीता जी, कम ऑन, ट्राई, 2, 3, 4, 5, 6, मोमिता जी एक मिनट रुकना, 7, 8, 9, 10, 11, फोर्स इज 12, यस कम ऑन ट्राई, 13, 14, 15, 16, 17, भावना जी आपका पेल्विस ऊपर लिफ्ट करो, कम ऑन, अरे वाह, आप लोग ने तो अपना 100% दिया एवरीवन, लेकिन 200% आपको इम्प्रूवमेंट चाहिए अभी, रिलैक्स करो। हाँ मोमिता जी टेल मी, क्या प्रॉब्लम है आपको, माइक ऑन करिए। सर जिनका नी पेन या साइटिका का पेन है वो ये आसन कर सकती है? नहीं, अवॉइड कर रहे हैं, इसलिए सर मैंने नहीं किया था। तो आपने हाथ उठा दिया, ठीक है, वेरी नाइस, गुड। सब लोग याद रखे एवरीवन, ये सारे आसन उन्हीं को करने हैं जिनका बिगनर लेवल अच्छा हो चुका है, जिनका इंटरमीडिएट लेवल अच्छा हो चुका है, अब वो एडवांस के लिए जा रहे हैं, ठीक है एवरीवन। लेकिन याद रखे एवरीवन, जब भी आप ये आसन सीख जाएंगे तो आपका मन काफी रिलैक्स होगा, काफी अच्छा तनाव मुक्त आप अब फील करेंगे। तो हु वांटेड टू बी दैट स्टेज, कितने लोग इस तरीके की स्टेज पाना चाहते हैं, रेज योर हैंड। तो मेहनत करनी पड़ेगी, मेहनत करने के लिए तैयार हो आप? चलो आओ मेहनत करते हैं, सब लोग खड़े हो जाओ, स्टैंड अप ऑल ऑफ यू, टेक योर पोजीशन, अब मैं आपको मेहनत करूंगा। अब आप अपने दीवार के पास आ जाइए, कम टू द वॉल एवरीवन, और फिर आपने करना क्या है, दोनों हाथों को अपने इस तरीके से अपने वॉल पे रखा, लुक स्ट्रेट और इनहेल लेकर एक्सहेल करके बेंड कर, राइट, और फिर रिलैक्स करें, कितना सेकंड रोकने, आपने कम से कम 15 सेकंड। सो रेडी एवरीवन, ट्राई टू प्रैक्टिस, स्टे हियर फॉर एज मच यू कैन, राइट एवरीवन, जितना हो सकता है आप स्टार्ट करें एंड ट्राई करें।